आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर आ रही है लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई। ये पूरे मामला चारा घोटाले के डोरंडा केस में लालू दोषी करार दिए गए। हालांकि पांचवा केस, चार केस जो पहले थे उसमें भी वो दोषी करार दिए गए थे। रांची की विशेष अदालत ने ये फैसला सुनाया है। आज ही ये बड़ा फैसला, महत्वपूर्ण फैसला आना था। निगाहें उनके कार्यकर्ता, उनके चाहने वालों की लगी हुई थी, लालू यादव की भी लगी हुई थी कि आखिरकार जेल मिलती है या बेल। कई डिस्कशन हुए, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है, रांची की विशेष अदालत ने ये फैसला सुनाया है और दोषी करार सत्यजीत जी चुके हैं। और अपडेट के साथ सत्यजीत। बिल्कुल, देखिए अंदर से जो उनके काउंसिल हैं उन्होंने ये इन्फॉर्म किया है कि 24 लोगों का एक्विटल हुआ है, साथ ही साथ लालू यादव का कन्विक्शन हो चुका है। और इसको लेकर ही आरजेडी कैंप पहले से ही संशय में थी, क्योंकि जो प्रीवियस जो जजमेंट थे लोअर कोर्ट से, यानी ट्रायल कोर्ट से, सीबीआई कोर्ट से, वो उनके फेवर में नहीं गए थे। जो भी रिलीफ मिला था, जो भी रेस्पाइट मिला था, वो उन्हें हाईकोर्ट से मिला था। और वहीं से वो चारों मामले में, इसके पहले जो झारखंड में कुछ कुल पांच मामले हैं, 950 करोड़ के चारा घोटाला है, तो उसमें चारों में वो बेल पे है। अब ये कि सेंटेंस पे है, अभी सेंटेंस जो है वो प्रोनाउंस नहीं किया गया है, उसके लिए इंतजार किया जा रहा है, लेकिन कन्विक्शन हो चुका है। अब इसके बाद जैसे ही बताया जाता है कि कितने दिनों का क्वांटम ऑफ सेंटेंस क्या होगा, ये अभी जो है नहीं बताया गया है। उसके लिए तमाम निगाहें अभी भी सीबीआई कोर्ट पे है, लेकिन कन्विक्शन हो गया है, ये जो है अंदर से खबर आ रही है। अर्पिता, तो कुल मिलाकर ये भी देखा जा रहा है कि अगर सजा की मियाद 3 साल से कम होती है तो जमानत संभव है, लेकिन उससे ऊपर होने पर उन्हें जमानत के लिए ऊपरी कोर्ट में जाना होगा। सत्यजीत, आप ये कह रहे हैं धीरे धीरे ये सामने आएगा कि कितने साल की सजा हुई है, लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि वो इस मामले में भी दोषी करार दिए गए हैं। बिल्कुल दोषी करार दिए गए हैं, और आपने सही कहा है कि अगर 3 साल तक की सजा होती है तो यहीं से उन्हें बेल मिल जाएगा, यानी ट्रायल कोर्ट से ही बेल मिल जाएगा। अदरवाइज जो प्रीवियस मामले हैं उसी के तरह उनको फ्रेश बेल पिटीशन अप्लाई करना पड़ेगा हाई कोर्ट में, और वहां से उन्हें राहत मिल पाएगी। इसके पहले के भी जो मामले हैं वहाँ, उसमें जो है सजा उनको जो सुनाई गई थी वो 3 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई थी। एक किसी मामले, दो मामले में 5-5 साल की सजा थी। चाईवासा कोषागार से जो अवैध निकासी था, अलग अलग मामला। इसके अलावा देवघर कोषागार से जो अवैध निकासी का मामला था उसमें 3.5 साल की सजा सुनाई गई थी, और दुमका कोषागार से जो अवैध निकासी का मामला था उसमें 7 साल की सजा सुनाई गई थी। और इन तमाम मामलों में उन्हें बेल इस ग्राउंड पे मिला था कि उन्होंने सेंटेंस का जो हाफ टर्म था वो सर्व कर लिया था, उसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें बेल दिया था। लेकिन अगर 3 साल से ज्यादा की सजा होती है तो सारा प्रक्रिया जो है फिर से शुरू होगा, यानी फ्रेश बेल पिटीशन अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद फिर कॉल फॉर रिकॉर्ड होगा, इसके अलावा जो है तमाम प्रक्रियाएं होंगी, तो उसमें वक्त लग सकता है। तो ये खबर कन्विक्शन का तो आया है, ये तय हो गया है, लेकिन क्वांटम ऑफ सेंटेंस कितना है इसको लेकर अब आरजेडी कैंप में हार्ट बीट्स बढ़े हुए हैं। यहाँ आपको कोर्ट का नजारा दिखाएं, देखिए किस तरह का नजारा है। बिहार से काफी लोग पहुंचे हैं इस उम्मीद, उनके साथ सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने के लिए आए थे। हालांकि सबके चेहरे पे चिंता थी, लोग बाहर से आए थे। कहाँ से आए आप? हम वैशाली जिला से हैं। हाँ, क्या उम्मीद था? उम्मीद है अभी भी जो कोर्ट से उनको राहत मिलेगा और कम सजा मिलेगा, जिससे उनको बेल हो जाए, इसलिए कि स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है। हम लोग को चिंता स्वास्थ्य के लिए ज्यादा है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम चकाई से आए हैं, विजय शंकर यादव नाम हुआ जी। हम लोगों को पूरी आस्था, रांची के लिए कल ही आ गए थे जी, कल आए थे जी, और पूरी आस्था न्यायालय पर है। हम लोग के नेता को न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा जी। तो इनको अभी भी विश्वास है कि बेशक कन्विक्शन हो गया है, लेकिन सजा जो है कम मिलेगा, हेल्थ ग्राउंड को कोर्ट कंसीडर करेगी, ये इन्हें कयास है, ये इन्हें उम्मीद है। और जाहिर तौर पे इनके जो काउंसिल है वो भी ये बता रहे थे कि हेल्थ फ्रंट पे वो जूझ रहे हैं। उन्होंने बताया था कि उनको जो है नॉन पेशेंट ऑफ HTN है, क्रोनिक डिजीज है हार्ट का, इसके अलावा जो है HTN के नॉन पेशेंट है, किडनी एलिमेंट है, तमाम जो है जो उनको बीमारियां हैं वो है, तो उस पर कंसिडरेट होगा कोर्ट। ये उम्मीद उनके काउंसिल को था, वही आरजेडी कैंप को है। हालांकि संशय की स्थिति शुरू से थी, चिंता की स्थिति शुरू से थी उस कैंप में, और जो वो चिंता थी
वो कहीं ना कहीं सच साबित हुई है, कन्विक्शन उनका हुआ है। यानी अभी देखिए कितने साल की सजा हुई है ये अभी साफ नहीं है, धीरे धीरे ये तस्वीर भी साफ होगी, लेकिन फिलहाल लालू प्रसाद यादव कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया उसमें दोषी करार दिए गए हैं। इससे पहले चारा घोटाले के चार मामलों में लालू प्रसाद यादव को कुल मिलाकर 27.5 साल की सजा हुई, जबकि 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी उन्हें भरना पड़ा था। इस मामले में सजा होने के चलते लालू प्रसाद यादव को आधा दर्जन से भी ज्यादा बार जेल जाना पड़ा और सभी मामलों में उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिली हुई है। तो कुल मिलाकर नजर इस बात पर अभी कि आखिरकार कितने साल की सजा लालू प्रसाद यादव को हुई है इस पर नजर है, क्योंकि 3 साल से अगर ज्यादा की सजा होती है तो जमानत के लिए ऊपरी कोर्ट में उन्हें जाना होगा। सत्यजीत हमारे साथ लगातार मौजूद है। सत्यजीत, जैसे कोई अपडेट मिले सामने आ पाए कि कितने साल की उनको सजा है वो अपडेट दीजिएगा, लेकिन वहां जो उनके समर्थक जुटे थे वो बेहद निराश है इस वक्त, बात भी कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो निराशा है उनके पूरे आरजेडी कैंप में जो है, अब निराशा है और इस बात की चिंता उनको शुरू से थी, संशय में वो थे, क्योंकि ट्रायल कोर्ट और सीबीआई कोर्ट से उन्हें कभी भी राहत नहीं मिली थी इनके इससे पहले के चार मामलों में, जो भी राहत मिला था हाईकोर्ट से मिला था। ये लोग तमाम लोग जो है, आप कहाँ से आए हैं? वैशाली जिला महुआ से आए हैं। महुआ से आए हैं वैशाली जिला। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन हुआ, मैं उप मुखिया हूँ मोहनपुर हलैया पंचायत। निराशा वाला खबर है, हम लोग को बहुत ही निराशा हो रही है। हमारे जितने भी राजद के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वरिष्ठ नेता लोग आए हुए हैं जो कल से लगातार कैंपिंग कर रहे हैं और ईश्वर और भगवान से ये दुआ कर रहे थे कि उनको बेल हो और जल्द से जल्द जो है वो स्वस्थ से अस्वस्थ हैं और उनको बेल जल्दी से हो, और इसीलिए हम लोग आए थे, लेकिन हम लोग को निराशा अभी तक नजर आ रहा है। मैं रांची से हूँ। अच्छा। और सब ठीक है जो पता चला, खबर मिल गई ना, एकदम हो गया सब सब सब। हमारे राजद के एमएलसी हैं। ये देखे आप एमएलसी हैं। ये मिला खबर, कन्विक्शन हो गया है। हाँ, चलिए कोर्ट पर फिर भी हम लोग को कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट का सम्मान करते हैं, एकदम कोर्ट का सम्मान करते हैं, और कम से कम मैंने भगवान से प्रार्थना करते हैं कम से कम सजा मिले। तो ये आरजेडी के एमएलसी हैं और तमाम जो कैंप है, आरजेडी कैंप है, वो यही अब जो है, पहले जो संशय की स्थिति थी वो चाह रहे थे कि जो है अच्छा होप कर रहे थे, वो तो नहीं हुआ, कन्विक्शन हो गया है, लेकिन अब ये चाहते हैं कि क्वांटम ऑफ सेंटेंस जो है वो कम से कम हो। अगर 3 साल तक होता है तो यहीं से उनको बेल मिल जाएगा, नहीं तो फिर नई प्रक्रिया चलेगी, उनको कस्टडी में लिया जाएगा, और वो ये नहीं चाहते हैं। जाहिर तौर पर इनके चेहरे से पढ़ा जा सकता है कि किस तरह से ये उम्मीद लगाकर आए थे कि इस बार जो है जिस तरह से उनका हेल्थ ग्राउंड है तो शायद कोर्ट कंसिडरेट हो, लेकिन कोर्ट जो है नियम कानून और प्रक्रिया से चलता है। इनके मन में भी चल रहा था, एट द बैक ऑफ माइंड सभी कार्यकर्ता कहीं ना कहीं चिंतित थे कि अब ट्रायल पूरा हो चुका है और फैसले की वक्त है, और जिस तरह से प्रीवियस मामलों में ट्रायल कोर्ट से यानी सीबीआई कोर्ट से राहत नहीं मिली है, तो ये इनके दिमाग में चिंता था। कन्विक्शन अब हो गया है तो अब ये चाहते हैं कि क्वांटम ऑफ सेंटेंस जो है वो कम से कम हो, ताकि यहीं से रेस्पाइट मिले, यहीं से राहत मिले, लंबी प्रक्रिया में जाने की जरूरत ना पड़े, हाईकोर्ट में बेल पिटीशन अप्लाई ना करना पड़े, वहां से जो है उसमें जो है एडमिशन में, उसमें सुनवाई में समय लगता है, तो वो समय जो है बच जाए और यहीं से जो है उनको राहत मिले। ये इनकी जो है अब प्रेयर्स हैं और ये यही होप ये कर रहे हैं, जिसको कहा जा सकता है कि जो है इनका जो है होप अब यही है कि इनको कम से कम क्वांटम ऑफ सेंटेंस जो सुना जाए वो कम हो। अर्पिता, देखिए फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है चारा घोटाले से जुड़ी, ये बड़ी खबर जहां पर लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं, ये पांचवा केस था। इससे पहले 4 केस आपको बता दो उसमें भी उनको दोषी ठहराया गया, बकायदा सजा हुआ, ये पांचवा केस जिस पर निगाहें टिकी थी कि क्या थोड़ी राहत उनको मिल सकती है, लेकिन फिलहाल अभी जो जानकारी कि वो दोषी करार दिए गए, अब सजा उनको कितने साल की मिलती है इस पर भी ये तय होगा कि वो जेल जाएंगे या बेल मिलेगी, क्योंकि 3 साल से ज्यादा की सजा अगर है तो जमानत के लिए ऊपरी कोर्ट में उन्हें जाना होगा, लेकिन अगर 3 साल से कम होती है तो जमानत उन्हें यहीं से मिल सकती है। तो फिलहाल दोषी करार हुए हैं, अभी धीरे धीरे सामने आना बाकी है कि कितने साल की सजा उन्हें मिली है। सत्यजीत, नजर तो अब इसी बात पर सबसे ज्यादा टिकी हुई है कि आखिरकार दोषी तो करार दे दिए गए हैं, लेकिन कितने साल की उनको सजा होती है, क्योंकि उसी से तय होगा जेल या बेल। बिल्कुल, देखिए ये भी इस आरजेडी कैंप के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि प्रीवियस जो जजमेंट आए हैं प्रीवियस मामलों में, अलग अलग मामलों में, उनमें से किसी मामले में
तीन साल से कम की सजा नहीं हुई है। देवघर कोषागार जहाँ जिसमें जो है 79 लाख की अवैध निकासी हुई थी उसमें भी 3.5 साल की सजा हुई थी, और इसके अलावा जो चाईवासा कोषागार से अवैध निकासियां हुई थी 33 करोड़ 37 करोड़ का उसमें 5-5 साल की सजा हुई थी। डोरंडा कोषागार से 3.13 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी उसमें 7 साल की सजा हुई थी। तो अगर देखें पूरा हम लोग अगर कोर्ट इफ वी गो बाय द कोर्ट्स जजमेंट तो अभी किसी भी मामले में इनको 3 साल से कम की सजा लोअर कोर्ट ने नहीं सुनाई है, यानी सीबीआई कोर्ट ने नहीं सुनाई है। तो अब पहले जो एक चिंता थी कि कन्विक्शन होगा या नहीं, तो वो कन्विक्शन हो गया है, और ये भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी कहीं ना कहीं फेवरेबल नहीं है। जो भी सजाएं हुई है वो 3 साल से ज्यादा की सजा कन्विक्शन हुआ है, सेंटेंस जो हुआ था वो 3 साल से ज्यादा का हुआ था। तो ऐसे में ये भी अब इनके लिए चिंता का सबब है कि क्वांटम ऑफ सेंटेंस कितना सुनाया जाता है, वो आज सुनाया जाएगा कि नहीं, या फिर उसको रिजर्व रख लिया जाता है। ये तमाम चीज़ों पर अब इनकी निगाहें हैं। यहीं पर जो है आप देख सकते हैं कोर्ट का माहौल, कार्यकर्ताओं का हुजूम है, जो लालू कैंप के सपोर्टर हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, और बिहार से भी बहुत सारे लोग आए हैं, वो इस उम्मीद से आए थे कि कुछ न कुछ इस बार अच्छा होगा। क्या नाम है, क्या नाम बताया? संजय कुमार बिंद मेरा नाम हुआ। मैं तारापुर मुंगेर जिला से आया हूँ, और हम लोगों को जो है बहुत ये था कि लालू जी को जो है एकदम बरी होंगे, लेकिन थोड़ी मायूसी हुई है। लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं आ रहे हैं। लालू जी गरीब गुरबा करोड़ों के नेता है, उनमें बहुत हिम्मत है, और आने वाला जो समय होगा, और जो 2-3 दिन का समय है, मुझे पूरा विश्वास है कि कम से कम ये हो गए बड़ी होंगे। हम लोग पूरा आशा और विश्वास है ऊपर वाले और न्यायालय दोनों। कोई मुंगेर से आया है, कोई वैशाली डिस्ट्रिक्ट से आया है, कोई जहानाबाद से आया है, खगड़िया से, खगड़िया जो है एक एंड है, वहाँ से ये लोग कब पहुँचे रांची? हम तो भगवान जब आए थे ना, हमारे आदरणीय परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी परसों आए थे, हम परसों आए थे, क्योंकि हम लोगों का ये दिल में दिल में रहते हैं, और ये व्यक्ति नहीं विचार हैं, और न्यायालय में हमें आस्था है, दोषी जरूर मन किया गया है लेकिन रिहा भी किए जाएंगे, और ऊपर वाला पर भरोसा है और न्यायालय पर भी है। कब तक परेशान किया जाए? आप लोग का क्या प्रार्थना है, क्या कहाँ से, नाम बताइए। नालंदा से हैं, मंटू यादव हम। अच्छा, तो क्या चाहते हैं, क्या आप लोग का प्रार्थना क्या है, क्या प्रार्थना है? उम्मीद है ऊपर वाले से कि हम लोग का न्याय मिलेगा। हम लोग निडर हैं, कितनू मेरे नेता को कितनू कैद कर लेगा, तो हम लोग झुकने वाले नहीं है। तो ये देखिए निराशा जो है बिल्कुल है इस कैंप में, चिंता थी अब वो निराशा में तब्दील हो गई है। ये इस उम्मीद से आए थे कि इस बार जो है कुछ अच्छा होगा, ऐसा हुआ नहीं है। कन्विक्शन तो हो गया है, अब जो है क्वांटम ऑफ सेंटेंस कितना होता है इसको लेकर ये होप कर रहे हैं कि वो शायद 3 साल का हो, तो यहीं से इनको जो है बड़ी किया जाए। अब उसके लिए सबकी इंतजार है, हार्ट बीट अभी भी बढ़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं चेहरे पे निराशा इनकी पड़ी जा सकती है। राइटिंग ऑन द वॉल जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि पूरे कैंप में निराशा है। ये पता चल गया कि वो दोषी हैं, लेकिन सजा का ऐलान बाद में हो सकता है, कोई जानकारी? बिल्कुल, ये कोर्ट के विजडम पे है, कोर्ट रिजर्व भी रख सकता है, लेकिन अगर ऐसा भी होता है तो कस्टडी में ले लिया जाएगा जिनको भी कन्विक्ट किया गया है, और तमाम जो दूसरी प्रक्रिया है कस्टडी में लेने की वो शुरू हो जाएगी। अर्पिता, तो फिलहाल कुल मिलाकर जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं, फैसले पर नजर है कि आखिरकार सजा उनको कितने साल की होती है। ये फैसला तो आ गया कि वो दोषी हैं, करार किए गए हैं कोर्ट की तरफ से, लेकिन सजा उनको कितने साल की होती है ये जरूर अभी साफ होना बाकी है, वो भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन लालू प्रसाद यादव के वकील क्या कह रहे थे सुनिए। अभियुक्त है, उन लोगों के खिलाफ सजा की अवधि तय हो गई है, अवधि कह रहे हैं सजा तय हो गई है, अब पीरियड क्या होगा वो थोड़ी देर के बाद बताया जाएगा। अभियुक्त है, उन लोगों के खिलाफ सजा की अवधि तय हो गई है, अवधि कह रहे हैं सजा तय हो गई है, अब पीरियड क्या होगा वो थोड़ी देर के बाद बताया जाएगा। सत्यजीत हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, थोड़ी देर में सत्यजीत क्या जानकारी जरा एक बार फिर से स्पष्ट कीजिएगा, सजा का ऐलान आज ही है या बाद में, कितने साल की सजा हुई?
सत्यजीत। तो एक बार फिर से सत्यजीत से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर जो आ रही है, बड़ी खबर यही कि लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं। नजर अब उनके जो समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, खुद लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार और उनका उनकी इस वक्त इस बात पर होगी कि आखिरकार सजा उनको कितने साल की मिलती है। क्योंकि सीधी सी बात यह है कि अगर 3 साल से कम की सजा हुई तो बेल उनको मिल सकती है, 3 साल से अगर ऊपर सजा होती है इस केस में तो उन्हें फिर ऊपरी अदालत में जाकर अपील करनी पड़ेगी जमानत के लिए। तो कुल मिलाकर आज ये तय भी होगा सजा के बाद ही कि जेल है या बेल। लालू प्रसाद यादव के समर्थक इस बात से खफा जरूर हैं, लेकिन कुल मिलाकर लालू प्रसाद यादव के लिए मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। ये 5वां केस था जिसमें लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं। इससे पहले 4 जो मामले थे उसमें भी वो दोषी करार दिए गए थे। 4 मुकदमों में पहले ही फैसला आ चुका था जिसमें कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। सत्यजीत, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा ये स्पष्ट कीजिए कि कितने साल की सजा अब होगी, ये कब तक साफ हो पाएगा? देखिए, अभी तक प्रोनाउंस नहीं हुआ है, कोर्ट के अंदर से बात हुई है, जो हमारे सोर्सेज हैं वो अंदर हैं, तो उन्होंने बताया है कि प्रोनाउंस अभी जजमेंट नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि ये हो सकता है कि एक बार फिर निराशा लेकर आए, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। ऑफिशियली जो है जज ने अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है। इसके जो प्रीवियस जो जजमेंट हैं उसको लेकर भी आरजेडी कैंप में चिंता है। अभी भी सेंटेंस क्या होगा, क्वांटम ऑफ सेंटेंस क्या होगा, इसको लेकर अभी भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अभी कोर्ट के अंदर वो फैसला नहीं सुनाया गया है, हालांकि कन्विक्शन हो गया है तो इतना तो तय है कि कस्टडी में उन्हें लिया जाएगा। अब जो है ये देखिए अंदर से आ रहे हैं जी। मैं ध्रुव भगत, पूर्व विधायक। अच्छा, आप भी कन्विक्ट इसमें है? हाँ हाँ, अक्यूज में जी। 3 साल का सजा, 75,000 रुपया जुर्माना आपको जी। तो आपको यहीं से राहत मिल जाएगी? जी हाँ, राहत मिल जाएगी। अच्छा, और अंदर और किसी का भी क्वांटम सुनाया गया है? और ये जगदीश शर्मा का, उनको क्या हुआ है? उनको 1.5 लाख रुपया और 3 साल की सजा। हाँ। तो 3-3 साल की सजा हो रही है। हाँ। लालू जी का अभी तक नहीं सुनाया गया? नहीं, यानी ये तय है कि आज ही क्वांटम ऑफ सेंटेंस सुना दिया जाएगा कि किसको कितना सुना दिया जा रहा है। तो ये देखिए, आपको एक बड़ी खबर बता दें कि क्वांटम ऑफ सेंटेंस जो है सुनाया जा रहा है। पूर्व विधायक ध्रुव भगत हमारे साथ थे, इन्होंने बताया कि ये भी अक्यूज थे, इन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई है और 75,000 जुर्माना किया गया है। तो इनको यही इसी कोर्ट से राहत मिल गया, क्योंकि क्वांटम ऑफ सेंटेंस इनका 3 साल है, तो इनको इसी कोर्ट से राहत मिल गया है। इनके साथ जगदीश शर्मा, कुल 99 अक्यूज थे, वो सब सारे लोग जो है सशरीर उपस्थित आज हुए हैं और बारी बारी से सुनाया जा रहा है। हाँ, जगदीश शर्मा का अभी जो है 1.5 लाख रुपया जुर्माना और 3 साल की सजा जी, वो भी यहीं से चले जाएगा। तो लालू जी का अभी तक नहीं सुनाया गया? नहीं सुनाया गया। राणा जी का नहीं सुनाया गया। अच्छा, नेता। लेकिन ये तय है कि सबको सुनाया जा रहा है, तो उनको भी आज ही सुना दिया जाएगा। आज ही सबको सुना। 140 करोड़ आज अगर उसको आंका जाए तो 765 करोड़ रुपया उसकी कीमत होगी। तो यानी आज के हिसाब से 765 करोड़ रुपये की अवैध निकासी ट्रेजरी से हो गई, और मुख्यमंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे, तो इनकी पूरी मिली भगत थी सारे मामले के अंदर। और इसलिए जो भी कुछ हुआ है ये स्वागत योग्य है, और एक मैसेज है समाज के अंदर कि जो लोग गरीबों को लूटने का काम करेंगे, पद पे रहते हुए जो लोग खजाने को लूटने का काम करेंगे उनको सजा मिलेगी। अच्छा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा किया वैसा वो भर रहे हैं। लेकिन लालू यादव जी अभी जमानत पर हैं, अस्वस्थ हैं और कई तरह की बीमारियों का भी सामना कर रहे हैं, इन सब के बीच में इसका बिहार में राजनीतिक आउटफॉल क्या होगा? देखिए, राजनीतिक आउटफॉल तो जो ना वो हो चुका है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है, 30 साल से मामला चल रहा है और ये 5वां केस है जिसके अंदर इनको सजा हुई है। तो इसलिए देखिए, राजनीतिक फॉल आउट तो है कि अब तो लालू यादव बिहार की राजनीति में उनका कोई असर नहीं रहा है। 2010 के चुनाव में 22 सीट पर सिमट गए थे, लोकसभा का चुनाव हुआ 2019 के अंदर कितनी सीट मिली उनको, 2014 में कितनी सीट मिली उनको, तब लालू यादव बिहार की राजनीति का कोई को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, इसलिए अब उनका कोई अस्तित्व बिहार की राजनीति में नहीं है। बाल्की के लटका झटका हंसी मजाक कर वो मीडिया में बने रह सकते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त जो है उनका प्रभाव खत्म हो चुका है। लोगों ने भी पहचान लिया है
कि लालू यादव गरीबों की बात करते थे लेकिन सबसे ज्यादा गरीबों को ही उन्होंने और लूटने का काम किया है। तो अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं सुशील मोदी को, आपने सुना वो किस तरीके से कह रहे हैं कि कितना बड़ा ये घोटाला हुआ, उसमें जब वो दोषी करार दिए उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया आई थी। सत्यजीत कुछ अपडेट? देखिए अब ये तय है, क्वांटम ऑफ सेंटेंस सबको सुनाया जा रहा है और आज ही सुना दिया जाएगा क्वांटम ऑफ सेंटेंस। ये बड़ी खबर एक अंदर से आ रही है, पूर्व विधायक जो ध्रुव भगत है या जगदीश शर्मा है, पूर्व विधायक ध्रुव भगत को 3 साल की सजा 75,000 जुर्माना हुई है। उसी तरह जगदीश शर्मा वन ऑफ द अक्यूज थे तो उनको 1.5 लाख जुर्माना और 3 लाख की 3 साल का सजा हुआ है। लालू जी को भी आज ही क्वांटम ऑफ सेंटेंस सुनाया जाएगा, ये तय हो गया है। तो अब आज ही सुनाया जाएगा ये क्लियर है, अब कितना साल का सुनाया जाता है इस पर सबकी निगाहें हैं। बारी बारी से सबको, जितने भी अक्यूज्ड हैं, जिनको यहाँ सशरीर उपस्थित होने के लिए बोला गया था, जो सप्लायर्स हैं, जो दूसरे अक्यूज्ड थे, उनको आज ही सुनाया जा रहा है सजा, सभी को जो है बारी बारी से सुनाया जा रहा है। तो अब ऐसे में इतना तो तय है कि क्वांटम ऑफ सेंटेंस आज ही सुना दिया जाएगा। अब उनके बारी का इंतजार हो रहा है कि लालू यादव को कितने साल का जो है सजा सुनाया जाता है। अर्पिता, तो देखिए कितने साल की सजा होती है नजर इस बात पर। थोड़ी देर में ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी, वो अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इससे पहले जो चार मामले थे चारे घोटाले के, चार मामलों में लालू प्रसाद यादव को कुल मिलाकर 27.5 साल की सजा हुई। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना उन्हें भरना पड़ा था। इन मामलों में सजा होने के चलते उन्हें आधा दर्जन से ज्यादा बार जेल में रहना पड़ा और इन सभी मामलों में उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिली है। फिलहाल आज पर नजर थी कि क्या फैसला आता, उनकी मुश्किलें बढ़ती हैं या आसान होती हैं, लेकिन वो दोषी करार दिए गए हैं। अगर 3 साल से कम की सजा होती है तो जमानत मिल जाएगी, अदरवाइज उन्हें ऊपर जाकर जमानत के लिए अप्लाई करना होगा। सत्यजीत, कुछ लोग बाहर भी आ रहे हैं, उनसे भी बात कीजिए, क्या अपडेट, कब तक ये साफ हो पाएगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि उन्हें जेल या बेल। बिल्कुल, देखिए हम आपको जैसे ही हम लोग शुरू से डिस्कस कर रहे थे कि क्वांटम ऑफ सेंटेंस अब आज सुनाया जा रहा है और बारी बारी से सुनाया जा रहा है, तो हार्डली जो है आधा घंटा या 1 घंटा का समय लगेगा, इससे ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। बारी बारी से सबको क्वांटम ऑफ सेंटेंस सुनाया जा रहा है, सप्लायर्स को सुनाया गया, इसके अलावा जो फॉर्मर MLAs हैं उनको सुना दिया गया। तो अब जो है इंतजार लालू यादव का है, आधा घंटा से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा जब उनको क्वांटम ऑफ सेंटेंस जो है वो बता दिया जाएगा कि कितने साल के लिए उनको जो है सजा सुनाई जा रही है। जाहिर तौर पे अगर 3 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उन्हें जो है यहाँ से रिलीफ नहीं मिल पाएगा, उन्हें अब जाना पड़ेगा हाईकोर्ट अगर 3 साल से ज्यादा की क्वांटम होती है। तो यहाँ पे जो है तमाम निगाहें अब इस पे है कि कौन कौन निकल रहा है। ये देखिए इधर जो है ठीक हमारे पीछे ये जो है CBI कोर्ट है आपको, और यहाँ देख सकते हैं कि लालू के जो समर्थक हैं वो किस तरह से इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से उनको अब इस बात का इंतजार है, मायूसी बेशक हुई है कन्विक्शन होने के बाद, लेकिन अब वो इस उम्मीद में है कि क्वांटम ऑफ सेंटेंस जो है वो कम से कम हो, इसलिए कि कई लोगों को 3-3 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि और लोगों में और उनमें ये फर्क है कि उनको प्राइम अक्यूज्ड बनाया गया था, कॉन्स्पिरेटर बनाया गया था मामले में, 5 मामले में कॉन्स्पिरेटर बनाया गया था, और इसके पहले जो भी जजमेंट आए हैं उसमें किसी में लोअर कोर्ट ने 5 साल से 3.5 साल से कम की सजा अभी तक नहीं सुनाई है चारा घोटालों के मामले में। तो ऐसे में अब उनके बीच जो है कहीं ना कहीं संशय है, वो स्केप्टिकल है कि कब सुनाया जाता है। और हालांकि ये तय हो गया कि आज ही क्वांटम सुनाया जा रहा है और बारी बारी से लोग निकल भी रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं इसलिए खुश हैं, जो फॉर्मर MLAs रहे हैं उस वक्त वो इसलिए खुश हैं कि उनको 3 साल की ही सजा हुई और जुर्माना लगाकर उनको यहीं से राहत दे दिया गया। लेकिन अब जो है ये देख सकते हैं इस तरह का दृश्य है, कोर्ट के अंदर से लोग निकल कर आ रहे हैं, क्वांटम सुनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये अर्पिता ये देख सकते हैं ये दृश्य है, और यहाँ पे जो है RJD के वर्कर्स, ठीक है सत्यजीत रही है जरा साथ, तो यानी देखिए नजर इस बात पर है कि दोषी तो करार दे दिए गए हैं लालू प्रसाद यादव, और आज ही ये भी ऐलान हो जाएगा कि कितने साल की उनको सजा होती है, उसके बाद जेल या बेल, ये भी आपसे थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन इससे पहले जरा बता दे क्या है डोरंडा ट्रेजरी केस, 139 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा ये पूरा मामला। 1995-96 में ट्रेजरी से ये निकासी हुई, 2005 में CBI की चार्जशीट दाखिल होती है,
कुल आरोपी इसमें 170 बनाए जाते हैं, 55 आरोपियों की इसमें मौत हो गई, यानी अभी 99 आरोपियों पर ट्रायल हुआ, उसके बाद आज कोर्ट में इन 99 आरोपियों को आने के लिए भी कहा गया था, जिनमें से अब धीरे धीरे सजा का ऐलान हो रहा है कि किसको कितने साल की सजा मिली है। थोड़ी देर में लालू प्रसाद यादव को लेकर भी सजा का ऐलान होगा।